अगर 1984 के दंगों को इतनी सख्त सजा, दंगा कराने वालों को इतनी सख्त सजा दे दी जाती तो मुझे नहीं लगता 2002 के अंदर किसी की हिम्मत होती दंगा दोबारा कराने की। आम आदमी पार्टी इस जहर की राजनीति को खत्म करके इस देश के अंदर प्यार और मोहब्बत की राजनीति कायम करना चाहती है। पिछली बार जब हमारी सरकार बनी थी 49 दिन के अंदर, हमने आते ही 49 दिन के अंदर एसआईटी का गठन किया था। पिछले 30 सालों के अंदर पूरे सिख समुदाय की मांग रही थी कि एसआईटी का गठन किया जाए, एसआईटी का गठन किया जाए। सभी पार्टियों की सरकार बनी, बीच में सभी पार्टियां मांग करती रही एसआईटी का गठन किया जाए, किसी ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 49 दिन के अंदर एसआईटी का गठन कर दिया और हमारी पूरी ईमानदारी के साथ हमारी मंशा थी कि उसमें चुन चुन के ईमानदार लोगों को एसआईटी में रखेंगे, सख्त लोगों को रखेंगे, अच्छे ऑफिसर्स को रखेंगे, ताकि वो तह तक जाके दोषियों को सजा दिला सकें। लेकिन हमने एसआईटी का गठन तो कर दिया, इससे पहले कि हम उसको चालू कर पाते हमारी सरकार नहीं रही। लेकिन अब जैसे ही हमारी दोबारा सरकार बनी, हमारी सरकार बनने के चंद दिन पहले यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपनी एक एसआईटी का गठन कर दिया। एक बार तो ऐसा लगा जैसे शायद उन्हें लग रहा था हमारी सरकार बनने वाली है, हमारी सरकार को एसआईटी बनाने से रोकने के लिए ऐसा किया गया हो। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब एमएचए ने एसआईटी का गठन कर दिया है, हम उनका पूरा सहयोग करना चाहते हैं, जो हम कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ नतीजे तो निकले हैं, कुछ जांच तो हो, कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जो ये प्रस्ताव जर्नैल सिंह जी लेके आए हैं इस पर्टिकुलर केस में, जगदीश टाइटर वाले केस में, ये सब कुछ सामने है। सीबीआई की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और उस सब के बावजूद भी अगर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो फिर तो इस देश का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि हमारी सरकार की तरफ से 1984 के जितने विक्टिम्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जो कुछ करने की जरूरत है हमारी सरकार कर भी रही है और करती रहेगी। और विक्टिम्स को जब जब किसी भी वकील की जरूरत पड़ेगी हम वो वकील उनको फ्री में मुहैया करेंगे।